वेलकम बैक, पक रहा है क्या? और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जो मैंने प्याज का कहा था कि जैसे 2 अदद प्याज थे, प्याज मैंने चॉप करके डाल दी हैं, और बाकी जो 1/2 किलो प्याज थे जिसको मैंने कहा था बिल्कुल पीस के हम पेस्ट सी बना लेंगे, तो वो मैंने वहाँ रखा है, उसका मैं आपको ले आती हूँ, बल्कि जग ले आती हूँ उठा के। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया था। अच्छा, इसका स्टार्ट हम कर लेते हैं। अगर बड़ा पैन होता तो ज़्यादा अच्छा था, चलो कोई बात नहीं, इसमें स्टार्ट करते हैं, बाद में चेंज तो कर लेंगे। अच्छा, और ऑयल का तो मैंने आपको बताया नहीं है, ऑयल तकरीबन इसमें यूज़ होगा 1 कप फिर इतना ऑयल, इसलिए कि मेरा जो है ना असिस्टेंट, मेरा बच्चा, ये आजकल बड़ा तंग करने लग गया। चलें, अच्छा वही ऑयल दे दे। चलें कॉल लेते हैं जब तक ऑयल आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही है? उमा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद। अच्छा उमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। आप बस, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, खैरियत से। अच्छा, मुझे ये कहना था। जी बोलिए। मैं आपका वो माइक्रोवेव वाला जो केक था ना, वो ट्राई किया था। अच्छा, जबरदस्त बना भाई। चलो थैंक्स गॉड, मैंने समझा शायद इतने आराम से बोला कि शायद कोई मसला हो गया हो। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा इसका। मैंने पहले भी ट्राई किया था, मैंने कहा मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा बना था, मतलब एक तो वो टाइम जो था ना वो बड़ा सेव हो गया। नहीं वो अच्छा, आप यकीन करें कि वो जिसने भी बनाया बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो गेस्ट घर में आ जाते हैं ना, आप फटाफट किसी को बच्चे को ये वो फटाफट तैयार हो जाता है। सही कही ना, वो इतनी जल्दी बना कि वो मेरे भाई ने कहा मुझे, जब मैंने एक दफ़ 2 दफ़ा बनाया ना। अच्छा, जब मैंने एक दफ़ा बनाया तो उसके बाद सेकेंड टाइम मेरे भाई जब खाना खा रहा था तो खाना खाते हुए वो कहता है कि ना मुझे खाने के बाद केक खाना है। सही बात है, तो मतलब वो इतनी जल्दी बन जाता है कि उसने आराम से कह दिया खाने के बाद केक खाना है, तो मैंने फटाफट बना लिया। और आपका कहना था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी डिशेज बनाते हो। और ईद मिलादुल नबी के लिए कुछ आज इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ताला कल वो बिरयानी और जर्दा बताएंगे, कल जैसे हमारे कल सुबह में 12 बजे वाले टाइम इंशाल्लाह 12 बजे बताएंगे, और आप शाम को बना लेना, बहुत आसान होगा, वही चीज़ें होंगी आपको घर से मिल जाएंगी। अच्छा, कुछ ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं। यार बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो आपने लास्ट टाइम भी ये बनाया था ना सरदा, लास्ट टाइम में मैंने वो बनाया था, मतंजन बनाया था ना, याद है? वही बिल्कुल, वो मुझे वो थोड़ा सा मिस हो गया था, मतलब अब जहन में नहीं है, उस वक्त बना लिया था, अपनी रेसिपी भूल जाता है। फिर क्या वही बनाऊँ या फिर जरदा को स्पेशल जरदा बनाऊँ? स्पेशल 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 ना, कुछ नया हो। और थैंक यू वेरी मच यार, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलिए, मैं इसका बता देती हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर जैसे 1/2 किलो की जितनी प्याज को बिल्कुल बारीक पीस लिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो ऑयल तकरीबन 1 कप के जितना। अब इसके अंदर सारे मसाले डाल के उसके बाद इसकी बॉल्स जो बनाने हैं वो मैं आपको दोबारा रिपीट करती रहूँगी, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा था कि हम बनाएंगे शीरमाल, तो उसके लिए मुझे थोड़ी इसका जो इसकी डो बनानी थोड़ी देर पहले बना के रखनी, वरना ये होगा कि सही से वो बनेगा नहीं। तो अभी जब तक ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, इसका पानी सूख रहा है, तो मैं आपको शीरमाल का बता देती हूँ ताकि आटा गूंध लें। और जैसे अभी मेरी एक अभी इन्होंने कहा कि वो केक बहुत अच्छा बना था, तो कल मेरी बेटी मुझे कहने लगी अम्मी केक खाना है, तो मैंने कहा अभी तो मक्खन भी नहीं है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तो कहने लगी नहीं मुझे खाना है ना, तो मैंने क्या किया, मैं घर में घी पड़ा था, घी को उसी तरह फेंटा फटाफट करके, तो इतना ज़बरदस्त वो केक बन गया। तो मैंने कहा चलो मैं इंशाल्लाह, अच्छा मुझे खुद अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ अच्छी बनती है मैं आप लोगों से शेयर करूँ, कि ताकि आप लोग बनाए, तो इंशाल्लाह देखते हैं अगर फ्राइडे या सैटरडे जो भी दिन होगा तो वो मैं दोबारा इसी तरह माइक्रो वाला बता दूँगी, जो बिल्कुल सिंपल है और बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा चलें, अब इसका बता देती हूँ जो मैं बना रही हूँ, शीरमाल जो मीठे वाले ताफ्तान जिसको कहते हैं वो बना रहे हैं, इसका आप नोट कर लीजिएगा। सिंपल है लेकिन ये बड़ी मतलब मज़ेदार बनते हैं, और हम हमेशा बाज़ार से ही लेते हैं। दूसरा ये होता है ना कि भाई वो नाश्ते वगैरह में बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो उनके लिए आप नोट कर लीजिएगा। मैदा कहाँ गया भाई? कहाँ? अच्छा, तो चले। अच्छा, 1/2 किलो की जितना आपने ले लेना है मैदा, 1/2 किलो आप ले लीजिएगा मैदा, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब इसके अंदर आप ले लीजिएगा इतना हस्बे ज़रूरत दूध, 1/2 किलो मैदा, हस्बे ज़रूरत आपने दूध ले लेना है, इतना दूध के जिससे आप इसको गूंदें, लेकिन थोड़ा सा दूध को आपने नीम गर्म कर लेना है।